स्वागत है आपका फिर से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ध्यान देंगे कि लास्ट मिनट स्ट्रेटजी फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। अभी तक मैंने अपने रेगुलर बैचेस में जब क्लासेस अपडेट करी थी तो बहुत सारी क्वेरीज थी कि मैम कैसे, टेंशन हो रही है, क्या करें। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये कि अभी लास्ट मिनट स्ट्रेटजीज़ में पहला टिप तो यही है, टेंशन मत लो, बिकॉज वो तो हमारे पास में टाइम भी नहीं है इतना टेंशन लेने का। दूसरी चीज़ ये है कि जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस में क्या आ सकता है या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप थोड़ा प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू करोगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी लास्ट मिनट स्ट्रेटजी में आप क्या चीज़ कर सकते हो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि लास्ट मिनट में आपको वो टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हालांकि जब भी मैंने पढ़ाया है तो आपको कोशिश मैंने यही करी कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊं, ठीक है। तो आपने इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ में क्या देख सकते हैं आप, लाइक दिस, ये सिलेबस हुआ करता था आपका, इसी के बेस पे आपने तैयारी करी थी, जिस बेस पे आपने तैयारी करी थी वो ये आपका सिलेबस था, ठीक है। तो आपने ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ी थी, जो कि मैंने बोला था कि कुछ एक चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है। जिन चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है उन सारी चीज़ों को मैंने आज थोड़ा सम अप करा है कि आप इन इन टॉपिक्स को पढ़ के जाओगे तो आपको कल की डेट में मे बी शायद ये वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ एक टॉपिक स्पेसिफिक रहते हैं फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली ये चीज़ देखना है कि मैम कौन कौन से एस्पेक्ट बता रही हैं और किस पे मुझे तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि लास्ट मिनट में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे हैक्टिक हो जाएगा, तो कुछ चीज़ों को ऐसे पढ़ते हैं कि हमने जो चीज़ पहले से ही पढ़ रखी है और आपको भी चीज़ें हिट करे दिमाग में, वो सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रख कर के चीज़ें करूँगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ध्यान में रखना है कि आपका ये जो GST है ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब GST का पोर्शन कैसे, मैम आप बताती हैं, हम टैक्स पढ़ते हैं, टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, सबको पता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, GST है। अब GST में जो क्वेश्चन आ सकता है वो रेट से रिलेटेड आ सकता है, रेट को सीक्वेंस में लगाओ, रेट के सीक्वेंस क्या है, 5%, 12%, 18% और 28%, ये चार रेटिंग है, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। ये रेटिंग आपकी आ सकती है क्वेश्चन में, ओके। नेक्स्ट आपका जो है GST से रिलेटेड कि आपका GST R1 क्या हो सकता है, ये आपका सेल्स का रिटर्न जाएगा। GST R2 क्या हो सकता है, परचेस का रिटर्न जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इसके क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका 4 क्या है, 4 आपका जो रिटर्न है वो कॉम्पोजिशन के लिए है, कॉम्पोजिशन स्मॉल टैक्स पेयर, ठीक है। 3 क्या है, 1 और 2 का सम अप कर देंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, तो 3 इज अ समरी ऑफ द 1 और 2, ठीक। तो आपने ये GST के बारे में ध्यान रखना है जब भी आप पेपर देने के लिए जाओगे, राइट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। वैल्यूएशन, अब ना क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा, देखो इसमें से सप्लाई वाले क्वेश्चंस नहीं बनेंगे कि क्या चीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या चीज़ सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि वो जान गए हैं टॉपिक, ये पुराने हो गए तो उनके नहीं बनेंगे, राइट। फिर उसके बाद में आपका 0 रेटेड भी टैक्सेस होते हैं GST में, उसको ध्यान में रख करके जाना, राइट। तो आपका ये GST रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर आपका क्या, इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इनकम टैक्स रिलेटेड क्या आ सकता है कि इनकम टैक्स में कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, वो क्या होती हैं, जैसे कि मान लो मैंने बोला न्यू टैक्स स्कीम, ओल्ड टैक्स स्कीम, ठीक है, ये है। अभी न्यू टैक्स को अगर ऑप्ट करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ओल्ड को करेंगे तो मिलेगा, हाँ मैम ओल्ड को करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा,
तो वो डिडक्शन में कौन कौन सी डिडक्शन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 80D, 80E, 80GG, सेक्शन 80C, ठीक है, ये इनका ध्यान रखना। इसके अलावा TTA, TTB, ठीक है, हो सकता है कि ये मैचिंग में भी आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ करके जाना। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को मैं बताऊं और फिर आप लोग उस पर ध्यान नहीं दो, क्योंकि ये थोड़ी सी सेक्शन मुझे मालूम है याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट फिर भी हम लोग तो पढ़ लेंगे, बिकॉज हमें तो अच्छे से पेपर देके आना है, ठीक है। इनकम टैक्स से रिलेटेड ये हो गया। अब और कौन सी चीज़ याद रखनी है, सेक्शन 16। सेक्शन 16 में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है मैम, ये भी बता दीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसा बन सकता है, लेटेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मान लो आपको एक जगह क्वेश्चन दिया रहे असेसमेंट ईयर 2023 से 2024, ये कौन सा है, पुराना वाला असेसमेंट ईयर है, ठीक। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको ये दे रखा है, अब आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन बताओ, तो आप कहोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी हो गई, 50,000, ये करेक्ट है, यस मैम, ये तो आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक। अभी असेसमेंट ईयर 24 और 25 का क्या है, तो आप बोलोगे मैम 50,000, तो आंसर ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे 60,000 लगेगा, ठीक। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेक्शन 16 का स्टैंडर्ड डिडक्शन असेसमेंट ईयर 23-24 के हिसाब से 50,000 है, लेकिन जब क्वेश्चन में 24-25 लिखा होगा तो 60,000 रुपीज़ हो जाएगा। मोस्टली अगर ये क्वेश्चन आता है या फिर इसका भी चांसेस बन सकता है, क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन और कौन सी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सेक्शन 24, सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है, ग्रोस एनुअल वैल्यू और नेट NAV, ये कैसे कंप्यूट होता है आप देख करके जाओगे, ठीक है, बिना देखे आप लोग पेपर देने के लिए मैं तो रिकमेंडेशन नहीं करूँगी, आप लोग ध्यान देना इस चीज़ का, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका IFOS पूछा जा सकता है। IFOS कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, अब बताओ ये कौन सी इनकम है, तो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, अच्छा अगर STCG है तो वो कौन सी सेक्शन है, 111A, और अगर LTCG है तो वो कौन सी सेक्शन है, 112। इसको ऐसे याद रखो, जो शॉर्ट टर्म है वो 111 है, जो लॉन्ग टर्म है वो 112 है, ठीक। तो ये चीज़ आपकी डन हो जाएगी, जब ये चीज़ डन हो जाए तब आप HRA पे आ जाना, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इससे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, रिलेटेड कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन, और फिर उसके बाद में आप ह्यूमन रिसोर्स आ जाना, एक काम करो, इसको यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स में लिख रही हूँ। ह्यूमन रिसोर्स से कौन सा क्वेश्चन मैम आ सकता है, तो सिंपल सी चीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स से आपसे पूछ सकता है, एक सीक्वेंस लगाने को दे देगा कि ह्यूमन रिसोर्स में सबसे पहले रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या होता है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद में क्या एप्लीकेशन सबमिशन होगा वो रिसीव्ड होगी, फिर रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा, उसके बाद में सिलेक्शन के बाद में क्या फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और ट्रेनिंग होगी, फिर जॉइनिंग होगी। होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। जब ये चीज़ें कर लोगे तब आप क्या, जब आप कंपनसेशन प्लानिंग जैसे पढ़ोगे तो इसी के साथ साथ ES,
एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी पढ़ लेना, और क्या पढ़ लोगे, इंश्योरेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ लेना। इंश्योरेंस में भी क्या, लाइफ इंश्योरेंस कंडीशन पूछ सकता है आपसे, लाइफ इंश्योरेंस की क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका ये हो गया। फिर आपसे क्या पूछेगा, इंडिफरेंस कर पूछ सकता है, जिसे आपको पढ़ना है, ठीक है। पीपीसी और क्या, एक दो एग्जांपल मार्केट वाले ले सकते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल मार्केट के कौन से वाले, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसका ध्यान देना। जब आप इसका ध्यान दे लोगे, एक इनकम टैक्स में ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सबसे पहले इनकम टैक्स का प्रोसेस कैसा होता है। ध्यान दो, सबसे पहले आप क्या करोगे, रजिस्टर करोगे इनकम टैक्स में टैक्स पेयर को, फिर लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाती है उसकी, लॉगिन करोगे, उसके बाद में कंप्यूट करोगे इनकम को, कंप्यूट इनकम, फाइल करोगे उसका रिटर्न, वेरीफाई करोगे, ई वेरीफाई, फिर रिफंड बनेगा उसका, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज पे टैक्सेस। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये सीक्वेंस है, राइट। तो आपने ये चीजें कर ली, जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो बात करते हैं अकाउंटिंग में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अकाउंटिंग से एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या एमलगमेशन पूछेगा आपसे, ठीक, एमलगमेशन, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आ सकता है, और पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी, जब आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना गिवन हो तो ओल्ड रेशियो को ही हम सेक्रीफाइस रेशियो मानते हैं, तो इससे क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आपका आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आरबीआई से रिलेटेड, फिर आरआरबी से रिलेटेड भी आ सकता है, ठीक है। 1975 नाबार्ड से आ सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग मुझको ऐसा लगता है ये आ सकता है। तो अभी तक अगर आपने चीज़ों को इस तरीके से नहीं देखा तो एक बार चेक कर लो, ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम आप देने के लिए जाओ, फ्रेश माइंड से जाना। और दूसरी चीज़ ये है, मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन याद रखना, बिजनेस लॉ से जो क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और एग्रीमेंट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, उसका ध्यान में रखना, आपका पेपर अच्छा जाएगा। कल आपको कुछ नहीं करना है, पेपर देने के लिए जाना है। जब पेपर दे के आना तो यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए थे, ठीक है। डिडक्शंस भी मैंने बता दी कि कौन कौन से डिडक्शंस कल के लिए आ सकती हैं। आप जाओ इजीली पेपर दो जा करके, और मुझे बताना ज़रूर पेपर कैसा आया। इसके आगे की काउंसलिंग का पैटर्न और जो भी आगे का एकेडमिक सेशन है उसकी आपको सारी डिटेल्स इसी चैनल पे मिलेगी। न्यू विजिटर्स इसको सब्सक्राइब कर ले, और एग्जिस्टिंग व्यूअर्स का ख्याल होता है कि, मतलब यहाँ पे बनता है एक लायबिलिटी बनती है कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरी तरफ से आपको विशेष, बहुत सारी विशेष, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है, और आप बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। और बाकी हम लोग देखते हैं जा करके एग्ज़ाम सेंटर्स में भी आपकी रिपोर्टिंग लेंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच।